लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, जो लोग अपने हौसले और जज्बे से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए और दूसरों के लिए नई राहें हमवार करते हैं, वही हमारे नायक और हमारे हीरोज़ कहलाते हैं। और ऐसे तमाम नायकों की, तमाम हीरोज़ की कहानियों को देश भर से समेट कर हम लेकर आते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। दुनिया की कोई भी ताकत मजबूत इरादों और हौसलों को कमज़ोर नहीं कर सकती है। कुछ ऐसे ही हौसलों की उड़ान को दर्शाती हुई खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको लेकर चलेंगे मेरठ में और वहां से दिखाएंगे एक अनूठे कैफ़े की कहानी। जी हाँ, ये कैफ़े चला रही हैं वो महिलाएं जो एसिड अटैक से पीड़ित हैं, यानी कह सकते हैं कि एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, और इनके हौसले और जज्बे को ये अटैक्स भी कम नहीं कर सके। घाव तो ज़रूर मिला लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं आई। देखिए मेरठ से ये खास खबर। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, और जब कुछ करने की चाहत दिल में होती है तो कामयाबी जरूर मिलती है और रास्ते के कांटे भी निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मेरठ की तेजाब पीड़ित महिलाओं ने, जिन्होंने अपने सपनों के पंखों को नई परवाज दी है। ये सिर्फ एक कैफे नहीं है बल्कि ये परिचायक है दृढ़ निश्चय का, ये परिचायक है सशक्तिकरण का। मेरे अटैक को 5 साल हो गए हैं और एक लाख का फंड मुझे अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा मिला है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के द्वारा मुझे 1 लाख रुपया मिला था, उसी में मैंने अपना ये सेटअप तैयार किया है हम सब ने मिलके। हमारे इस कैफ कैंटीन में ना अभी चाय है, कॉफ़ी है, ब्रेकफास्ट में जो भी मतलब समोसा, ब्रेड पकौड़ा जो हम अच्छे से बना सकेंगे वो हम सर्व करेंगे कस्टमरों को। तो केंद्र सरकार की तरफ से फंड मिला है, उसका बहुत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नौकरी के लिए दर दर ठोकरे सिखाते थे एक तरीके से, कि कभी कोई हमारे फेस को देख के हमें उल्टा सीधा बोलता था, हमें काफ़ी फील होता था कि हम पता नहीं हम इस समाज से कि एक तरीके से कि अलग हैं क्या है, ये सारी चीज़ें हम झेलते थे। लेकिन अब जब हमने ये चीज़ें खुद काफ़ी इधर उधर भागे हैं, हमने सरकार के इधर अधिकारियों के चक्कर काट के अब हमने ये तैयार किया, तो अब हम चाहते हैं कि अब अपना यहीं पर हम काम करें और जैसे भी हमारा चले। हमने यहाँ पे ये चाय है, कॉफ़ी है और खाने में स्नैक्स वगैरह भी रखे हैं। लेकिन बनाते हो, हाँ जी मैम, हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही सर्व करते हैं। कुछ सिरफिरे लोगों की वजह से मेरठ की शिवानी और उन जैसी कई लड़कियों की जिंदगी पर मानो ग्रहण लग गया था। इस ग्रहण को खत्म करने के लिए शिवानी ने हिम्मत नहीं हारी और दोषी लोगों को सजा भी दिलवाई। शिवानी को सरकार की तरफ से 5 लाख का मुआवजा भी मिला था, पर जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कहीं ना कहीं उसे समाज में तिरस्कार की भावना का सामना भी करना पड़ता था। तभी शिवानी को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से धनराशि मिली और शिवानी ने सोचा कि क्यों ना तेजाब पीड़ित महिलाओं के साथ कुछ रोजगार किया जाए, और मेरठ तहसील परिसर में एक सेकेंड इनिंग्स कैफे खुला, जिसमें शिवानी जैसी कई तेजाब पीड़ित लड़कियां और तेजाब पीड़ित लड़के भी जुड़ गए। और अब ये मेरठ का पहला ऐसा कैफे है जहाँ सारा कार्य स्वयं तेजाब पीड़ित लोग ही करते हैं। ये महिलाएं मानती हैं कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा आपको लक्ष्य की प्राप्ति से नहीं रोक सकती। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह ये एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं अपने दर्द और कठिनाइयों से उबरकर दूसरों के लिए मिसाल बन रही हैं, नज़ीर बन रही हैं। नज़ीर कुछ अन्य महिलाएं भी बन रही हैं। आपको खबर उत्तराखंड से दिखाते हैं। उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र वाले एरियाज़ हैं उनमें चीड़ के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, नुकीली पत्तियाँ, इन्हें पिरुल कहा जाता है। जनवरी के महीने से ही यहाँ पर एक तरह से पत्तियों की चादर बिछने लगती है, और जैसे जैसे गर्मी पड़ती है तो ये धधकने लगती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये धधकाने वाली पत्तियाँ सजावटी सामान भी बना सकती हैं, इनसे गहने और आभूषण भी बन सकते हैं? जी हाँ, ऐसा हुआ है और ऐसा करके दिखाया है एक महिला ने,
जिनका नाम है मंजूषा। आइए आपको मिलवाते हैं इस खास महिला से। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी मेहनती महिला से जिन्होंने कभी अपशिष्ट माने जाने वाले और जंगल के लिए अभिशाप कहे जाने वाले पिरुल से बेहतरीन उत्पाद बनाकर स्वरोजगार की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिरुल वुमन ऑफ उत्तराखंड के नाम से मशहूर मंजू शाह की, जिनके उत्पादों की न केवल उत्तराखंड में बल्कि देश विदेश में भी भारी मांग है। दरअसल चीड़ की पत्तियां पहाड़ों में जगह जगह कचरे का कारण होती थी और ये जंगल की आग का भी सबसे बड़ा कारण बनती थी। इन्हीं चीड़ की पत्तियों का सदुपयोग करने के उद्देश्य से उन्होंने इसे एकत्रित करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने इससे फूलदान, टोकरियां और कटोरे आदि बनाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, उन्होंने पिरुल से ही गोल टोपी, बैठने की सीटें और डोरमैट भी बनाए। धीरे धीरे उनके उत्पाद बिकने लगे और भारी संख्या में बाजार से डिमांड्स आने लगी। इस मांग को देखते हुए उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को भी पिरुल से विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देना शुरू किया। ये उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज गांव की अन्य महिलाएं और बेटियां अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में कामयाब हुई है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पत्तियों से खूबसूरत आभूषण और सजावटी सामान, जी हाँ, उत्तराखंड की इस पहाड़ी महिला ने अपने हुनर से सबको चौंका दिया है। कुछ ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी, कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण, देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का और अब आपको लेकर चलेंगे झारखंड, जहां राजधानी रांची के भीड़भाड़ वाले इलाके से दूर एक शांत वातावरण में एक अनोखी पाठशाला चल रही है। अनोखी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत ख़ास है। इसे युवाओं ने नाम दिया है कर्तव्य पथ। क्यों दिया है कर्तव्य पथ नाम और क्या कुछ है इस पाठशाला में, चलिए आपको दिखाते हैं। पर दिख रही ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं है,
लेकिन राजधानी रांची की व्यस्त भीड़ भाड़ से अलग एकांत वातावरण में सजी ये पाठशाला किसी उम्दा विद्यालय से कम भी नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने का सलीका और बेहतर नागरिक बनने के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। ये पाठशाला हर रविवार और हर छुट्टी के दिन में सजती है। आज से ठीक एक साल पहले केवल 15 बच्चों से शुरू हुई इस पाठशाला का कुनबा अब काफी बड़ा हो गया है। इसे शुरू करने वाले युवाओं ने इसे नाम दिया है कर्तव्य पथ, जो इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। एक सेंटर पे जब हमें असर दिखने लगा तो हमने यहीं पास में 100 मीटर दूर पे दूसरा सेंटर चालू किया। एक और सेंटर है आधा किलोमीटर दूर, कटहल टोली बोलते हैं वहाँ पे। फिर हमने चौथा सेंटर बीआईटी मशरा में चालू किया है। और पर्पस यही है कि जितना मैक्सिमम सेंटर्स हम लोग शुरू करें जो सस्टेनेबल हो, एक बार शुरू हो तो लगातार चलता रहे, वहाँ के बच्चे सीखे। हम लोग बहुत रेगुलरली इस चीज़ को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं वो सीख पा रहे हैं कुछ कि नहीं। सेंटर्स बढ़ते जाएँ, बच्चे इन्वॉल्व होते जाएँ और वो सीखते जाएँ। इस पाठशाला के छात्र शिवा को अब मैथ के ऐसे ऐसे ट्रिक और शॉर्टकट्स आते हैं कि वो आसानी से सवालों को हल कर लेता है। रूपा कहती हैं कि घर से ज्यादा उन्हें यहाँ मन लगने लगा है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, सब सीखने के लिए लगा अच्छा लगा, सब चीज पढ़ने के लिए भी बहुत मजा लगता है हमेशा। मैं यहाँ कर्तव्य पथ की क्लास में 6 महीने से आ रहा हूँ। मुझे यहाँ बहुत सारे मैथ के ट्रिक्स और बहुत सारे शॉर्टकट चीज मिले जिससे मैं मैथ में अब जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाता हूँ। यही नहीं, समाज में बेहतर मुकाम हासिल कर चुके लोगों को सुनकर बच्चों की हौसला अफजाई होती है और जीवन में कुछ करने की तमन्ना को बल मिलता है। सब कोई अच्छे अच्छे सीखते हैं, अच्छे अच्छे बात, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे, सभी को अच्छा अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाता है। और यहाँ पे सभी को अच्छे, बाहर से बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए यहाँ पे, और हमें लोग को मिलने से बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से। फिलहाल रांची के 4 ऐसे इलाकों में कर्तव्य पथ संचालित हो रही है जहां ज्यादातर गरीब तबके और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले निवास करते हैं। जाहिर है यहां बच्चों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का बिल्कुल अभाव था, लेकिन अब भरोसा है कि एक बार आप इस पाठशाला का भ्रमण करें आप निराश नहीं होंगे और आपको ऊर्जा भी मिलेगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीजी न्यूज। तो है ना ये पाठशाला अपने आप में बहुत खास। आप भी कर्तव्य पथ पर चलिए क्योंकि कर्तव्य पथ पर चलने से सब कुछ बेहतर ही होगा, खुशियां ही आएंगी। अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के डांग में, जो कि प्राचीन वन संसाधनों का भरपूर खजाना है। यहाँ के किसान बहुत कुछ खास कर रहे हैं। ये लोग मिलेट्स की खेती कर रहे हैं और मिलेट्स से उत्पाद तैयार कर रहे हैं, उत्पाद तैयार करके उसे बाज़ार में उपलब्ध करा रहे हैं। और देखिए ये बाज़ार कितना खास है, किस तरह से किसानों की आय में इजाफा हुआ है, ये लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, आपको दिखाते हैं। डांग गुजरात की प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन वन संसाधनों का खजाना है। डांग जिले के रंभास गांव के किसान आजकल मिलेट्स की खेती कर रहे हैं जिससे उनकी कमाई में खासा इजाफा हुआ है। किसान अपने खेत में सफेद नागली, लाल नागली, मोरियों को उगा रहे हैं और इसे एक इकाई में संसाधित कर नागली आटा बिस्किट, नान खताई, नूडल्स, इडली खीरू, रागी ढोकला आटा बनाकर बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में नागली के लिए प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके बाद नागली को पैक करते हैं, आटा बनाते हैं, बेकिंग कर बिस्कुट बनाते हैं, नागली की पापड़ी, बिस्कुट, सिरप बनाकर इसका वैल्यू एडिशन कर देते हैं जिससे मुनाफा डबल हो जाता है। डांग जिले में किसान लंबे समय से नागली, वारी, बंटी जैसे विभिन्न प्रकार के मिलेट्स उगाते आ रहे हैं। मॉनसून के दौरान डांग के लोग परंपरागत रूप से घर पर पर्याप्त उत्पादन करते हैं और बाजरे की बढ़ती मांग को पूरा करके अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। मैं परंपरागत नागली की खेती करता हूं। हमारे बाप दादा भी यही खेती करते थे। हमें नागली का 20 रुपए मिलता था। प्रधानमंत्री के प्रयासों से नागली का भाव कई गुना बढ़ा है। जैसे जैसे सरकार श्री अन्न का प्रचार कर रही है इससे मुनाफा बढ़ता जा रहा है। डांग जिले में मिलेट्स के कई प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हैं। यहाँ पर किसान बड़े पैमाने पर मिलेट्स की खेती कर उससे विशेष उत्पाद तैयार कर रहे हैं।
डांग आने वाले और हिल स्टेशन सापुतारा जाने वाले पर्यटक खरीदारी के लिए विशेष रूप से यहां आते हैं। डांग के सभी उत्पाद इस प्रोसेसिंग यूनिट पर उपलब्ध हैं, इसलिए एक ही स्थान से वो सारी चीजें खरीद लेते हैं। मिलेट्स सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। मिलेट्स में उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये प्रकृति में रहने वाले सभी लोगों और पशु पक्षियों के लिए भी बेहद उपयोगी हैं। इस दिशा में डांग जिले के किसानों के प्रयास सराहनीय हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए डांग से मुनीरा शेख और श्वेता यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, किसान हमारे देश की शान है और किसान अपने हौसले और जज्बे से, नए नए युक्तियों से आज अपनी आय में बहुत इजाफा कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफ़र को भी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी, कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण, देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। ब्रेक पर जाने से पहले बात हम कर रहे थे कि किस प्रकार किसान देश के लिए बहुत कुछ खास कर रहे हैं, नए नए कीर्तिमान रच रहे हैं। जी हाँ, हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार किसान देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। किसान हर दिन कुछ खास कर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं, तो देश के लिए भी, देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं बिहार के नवादा के किसानों की कहानी कि किस प्रकार पशुपालन और जैविक कृषि में इन्होंने हाथ आजमाया, कैसे इन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए, कैसे बिहार का नाम रोशन किया। देखिए बिहार के नवादा के इन किसानों की कहानी। तस्वीरों में दिख रहे ये किसान मित्र कुछ खास हैं। ये सब बिहार के अकबरपुर के कझिया गांव के किसान हैं, जो कृषि के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखते हैं। इन्होंने प्राकृतिक खेती और गौ पालन के नए तरीकों से नया कीर्तिमान रचा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि जागरण की तरफ से मिलियनर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 में बिहार के किसानों की मेहनत रंग लाई। गुजरात के राज्यपाल ने इन किसानों को सम्मानित किया। इन्हें अवार्ड मिला प्राकृतिक खेती के लिए। दरअसल 2 दशक के अधिक समय से मनोज जीरो टिलेज से खेती करते आ रहे हैं। वो अवशेषों को खाद के रूप में उपयोग करते हैं। फसल जो
हार्वेस्टर से कटता है उसका अवशेष को इकट्ठा किया जाता है, जैसे धान का पराली हुआ, गेहूं का हुआ अस्ट्रा, उसका भूसा बनाया जाता है। गांव में कोई लोग जलाते नहीं हैं भूसा पुआल या तो अस्ट्रा को, इससे गांव में जो भी खेती है खेती में उर्वरक शक्ति बढ़ रहा है। और पराली जलाने से जैसे जमीन में जो केचुआ रहता था वो मर जाता था, उस वो बचा रहता है। अब इसे सुखद संयोग कहिए या फिर कझिया गांव के किसानों की मेहनत, एक ही गांव के दो दो किसानों को नेशनल अवार्ड मिला। कझिया के रोशन कुमार को देसी नस्ल के गौ पालन को लेकर सम्मानित किया गया। रोशन कुमार कई सालों से देसी नस्ल की गायों का पालन कर रहे हैं। उनकी गौशाला में 80 से अधिक गाय हैं। गायों के पालन के साथ साथ खेती में भी बहुत सुधार हुआ है। मैं देसी गौ पालन का काम करता हूं। देसी गौ पालन का काम जो है जो उससे जो है जो बर्मी कंपोस्ट जो कि खाद भी तैयार करता हूं, इसी के कारण जो हमें ICR दिल्ली में जो है जो नेशनल अवार्ड जो है जो मिला है। देसी गौ पालन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है जो विटामिन पाया जाता है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अदर जो दूध है उससे बहुत ज़्यादा है, और जो भी मनुष्य जो इसका प्रयोग दूध जो करते हैं उनके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद। कभी कभी छोटी सी शुरुआत बड़े बदलाव की वाहक बन जाती है। कझिया के किसानों का जज्बा भी उसी का जीता जागता उदाहरण है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कझिया से अशोक प्रियदर्शनी की रिपोर्ट, ईडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में प्रतिभा और कौशल की कोई कमी नहीं है। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली से तो बीजेपी मुख्यालय पर, जहां पर जो नए सदस्य हैं वो अब बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, 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 नही